ये है टाइम्स 18 न्यूज, खबर आपके मतलब की। नमस्कार, मैं हूँ यशी शुक्ला, स्वागत है आपका टाइम्स 18 न्यूज में। आप देख रहे हैं टाइम्स 18 न्यूज, खबर आपके मतलब की। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। मजिस्ट्रेट ने मारा छापा, दलालों में मचा हड़कंप, एक दर्जन से अधिक दलालों को किया गिरफ्तार। एटा से हम इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। एटा में एआरटीओ कार्यालय में जॉइंट मजिस्ट्रेट भारी पुलिस बल के साथ छापामार कार्रवाई की थी। छापामार कार्रवाई से सभी दलालों में हड़कंप मच गया। कार्रवाई को देखते हुए सभी दलालों ने अपनी दुकानें बंद कर भाग गए हैं। बताया जाता है कि एआरटीओ कार्यालय में बहुत दिन से शिकायतें मिल रही थी, जिसमें सरकारी फीस की जगह 10 गुना फीस ली जा रही थी, जिसकी शिकायत अधिकारियों से तो की गई थी लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई थी। काफी टाइम से जो शिकायतें मिल रही थी कि यहाँ पे जो फीस है वो जितनी फीस उससे 10 गुना के करीब पैसा लिया जाता है, और आज भी कुछ दो दिन पहले की शिकायत अखबार में छपी थी अमर उजाला से पाता, और उन सारी चीज़ों का संज्ञान लेके जो है आज औचक निरीक्षण एक बार किया गया है। सारा हम लोगों ने यहाँ पे चेक किया है तो करीबन 5 से 6 लोग जो ऐसे हैं जो दफ्तर के अंदर ही दलाल सक्रिय हैं, उनको हमने आज पकड़वा के जेल ले गया है। क्योंकि ये लोग ना तो दफ्तर की तरफ से काम करता है, इसका रिकॉर्ड पाया गया है कि किस अहदे से ये लोग यहाँ पर काम कर रहे थे, तो जब अपनी आइडेंटिटी प्रूफ नहीं कर पाएंगे तो एक ही कैटेगरी आती है इनकी, वो है दलाल, इनको जो है कार्रवाई करके जेल भेजा जाएगा। और इसके अलावा 4 से 5 लोग और हैं जो बाहर के व्यक्ति थे और वो अपनी आइडेंटिटी जो है प्रूफ नहीं कर पाए कि उनका यहाँ पे आने का कारण क्या था, तो उनको भी हिरासत में लिया गया है। तो कुल मिला के जो है 12 से 15 लोग हम लोगों ने यहाँ पे पकड़े हैं, और ये अभियान जो है लगातार चलता रहेगा। ये नहीं है कि एक बार करके इसको खत्म कर देंगे। तो जितने भी लोग यहाँ पे सक्रिय हैं उसमें 2-3 लोग हमारी ये भी जानकारी में है कि वो मौका देख के जो है यहाँ से फिलहाल गायब हो गए हैं, पर वो नज़र में हमारी हैं क्योंकि हमने उनको खुद देखा है, बात किया है, तो आज नहीं तो कल वो पकड़े ही जाएंगे। तो सब लोगों को जो है कार्रवाई करके सर, एक ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल का नाम से दुकान को भी सीज करने का आपने आदेश दिया है, किस तरह की कार्रवाई की जाएगी उन पर? सीज करने के पीछे जो मकसद वो ये है कि सुनने में यह आया है कि जो व्यक्ति हमने वहाँ पर रोका था वो उसी व्यक्ति इसी दुकान से संबंधित है, अब वो अंदर नहीं है और बाहर अपने इतने बड़े दुकान कर ली है, तो उसका एक ही तरीका है कि इसको सीज कर दिया जाएगा। सीज करने के बाद में वो अपने आप आके अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करे और बताए कि दुकान उसकी है और खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। एसडीएम साहब, यहाँ तमाम दर्जनों दुकानें ऐसी हैं जहाँ दलाल बैठते हैं, लगातार यहाँ दलाली होती है, अभी लोग नहीं आपके निचड़ में नहीं मिले हैं, दुकान बंद कर भाग गए हैं, क्या कहना है इसका? देखिए, ऐसा है कि ये शिकायत बिल्कुल सही है कि जितने भी बाहर दुकान है इसमें काफ़ी लोग जो हैं दलाल सक्रिय हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसको जो है कंसिस्टेंट एफर्ट से ही ख़त्म किया जा सकता है। आज जो है औचक निरीक्षण किया गया है, 4-5 दुकानों का सत्यापन भी किया गया है, दफ्तर का सत्यापन किया गया है, एआरटीओ साहब मेरे साथ में है, एआरटीओ साहब जो है भी चूँकि 1 महीने पहले ही उन्होंने ज्वाइन किया है, ये भी पूरा सहयोग कर रहे हैं ऐसे लोगों को ऊपर अंकुश लगाने के लिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में जो है एटा के जितने भी लोग यहाँ पे अपने काम के लिए आते हैं उनकी जो सर्विस है वो प्रॉपरली जो विधिवत तरीका है उस तरीके से मिलेगी। सर, कुल कितने लोगों को जेल भेजा जा रहा है? 12 से 15 लोग। जैसे ही जिला अधिकारियों का तबादला हुआ वैसे ही शिकायतें दोबारा शुरू की गई। तभी आज जॉइंट मजिस्ट्रेट महेंद्र सिंह तामर ने दोबारा छापामार कार्रवाई शुरू की है। टाइम्स 18 न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी सभी खबरें पहुंचे आप तक। ये है टाइम्स 18 न्यूज, खबर आपके मत